आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ 24। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व एमपी हैदराबाद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व एआईएमआई फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की खास गुजारिश पर 12 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है नई फ्रूट मार्केट के लिए मामड़पल्ली पहाड़ी शरीफ पर। आज एआईएमआई फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन महराज, कारवान एमएलए कौसर मोहुद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान तमाम ने मिलकर अलॉट की गई 12 एकड़ जगह का दौरा किए, जहां पर नई फ्रूट मार्केट कायम की जाएगी मामड़पल्ली पहाड़ी शरीफ इलाके में। वाज़रेह है, हुकूमत की जानिब से 12 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है फ्रूट मार्केट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1167 ऑफ 2021। इसके अलावा हुकूमत प्लानिंग कर रहे हैं न्यू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने कोतापेट फ्रूट मार्केट पर। हाल ही में हुए बजट सेशन में तेलंगाना असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से गुजारिश किए थे वक्फ की ज़मीन पर फ्रूट मार्केट बनाने, जिसे मंजूर करते हुए 12 एकड़ ज़मीन दी गई वक्फ बोर्ड की जानिब से नई फ्रूट मार्केट को पहाड़ी शरीफ पर कायम करने। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मखदूम जुबेरी की खास रिपोर्ट पेश है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर है ऐसे न्यूज़ 24 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ऐसे न्यूज़ 24। शुरू करूँ, मेरा नाम मोहम्मद मनीरुद्दीन है, मैं फ्रूट कमीशन एजेंट हूँ और मेरे शॉप का नाम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और जलाल फ्रूट कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 एकड़ सर्वे नंबर 19 वक्फ लैंड पहाड़ी शरीफ जलपल्ली मंडल के अंडर हमको आज ये फ्रूट मार्केट, नई फ्रूट मार्केट आगाज करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पहले तो अल्लाह सुबहाना तला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर मैं अगर शुक्रिया करने बैठूँ इन लोगों के ताल्लुक से तो भी मैं अदा नहीं कर सकूँगा। इनकी नुमाइंदगी की वजह से हमको ये जगह मिल गई है। और कितनी जमीन मिली आपको? जमीन ये है, और जमीन पहले तो हमको 12 एकड़ अलॉट हुई, उसमें 4 एकड़ स्कूल को भी अलॉट हुई, तो इंशाल्लाह वो भी उसकी भी बात। मार्केट कितने एकड़ पे है? ये मार्केट देखिए पूरी 16 एकड़ पे है। 16 पे है। स्कूल को छोड़ गए? नहीं, हमको ऑफिशियली 12 मिली, मगर हमारी अभी बात हुई, अभी जो स्कूल को दिए वो भी आपको देने के लिए बात। जी जी, अभी काम कब से स्टार्ट होगा? काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी, हम बड़े लोग बैठ के इंशाल्लाह मशवरा करके कैसा करना है काम इंशाल्लाह। क्या नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं साहब, क्योंकि हमको आम का सीजन बिल्कुल 1-2-3 महीने में है इंशाल्लाह, उसके टारगेट हमारा वही है कि आम का सीजन हम इंशाल्लाह। जब तक ये मार्केट ओपन रहेंगी पूरी कंटिन्यू चलते रहेंगे पहले के मार्केट की व्यवस्था? जी हाँ जी हाँ। नहीं, टेम्पररी रहेंगी? नहीं, ये टेम्पररी है एक्चुअली। हमारी मार्केट कोयडा मार्केट है जो हुकूमत बना के देना चाह रही है, क्योंकि हमारी कोतापेट मार्केट 22 एकड़ पे थी और हम वहाँ पर 36 साल से थे, तो वहाँ पर हॉस्पिटल तामीर करने के वजह से हुकूमत वो मार्केट तोड़ दी, उस वजह से हम वहाँ से निकल के बाटा सिंगराम चले गए, जो कि बहुत दूर पड़ रहा था और गरीब नहीं आ सक रहा था वहाँ से, और साथ ही साथ इतनी सहूलत नहीं थी वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कि पानी है और खाने की सहूलत है, और बहुत सारे लोगों को जैसे शेड की भी सहूलत नहीं थी वहाँ पे फ्रूट वगैरह डाल के बेचने के लिए, तो फ्रूट का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो कम से कम ये 15 महीने लगे हमको ये चीज़ को हासिल करने के लिए। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बहुत सपोर्ट करे हमारी एसोसिएशन के साहब। अभी आपकी ये मार्केट में हैदराबाद के कोई भी व्यापारी आ गए या पर दुकान? नहीं साहब, कोतापेट मार्केट में जो लाइसेंस होल्डर्स थे, जिसके दुकान थे जिसके टूट गए, तो उन लोगों को जगह अंदर मिली, और दूसरे जो मोंडों के पास जो ठहर के कारोबार करते थे वो लोग? नहीं साहब, फिलहाल का तो हमारा ऐसा मंशा है कि जिसके दुकान टूटे, जिसकी हुकूमत से लाइसेंस है उसका लाइसेंस है उनके लिए यहाँ पर जगह, लाइसेंस की जमीन निकलती है वो हिसाब से एक 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 कमीशन एजेंट को कि 100 गज निकलती है, 150 या 200, वो तहत सहूलत के हिसाब से, क्योंकि एक एक इंच भी जिसने हमको ख़राब करना नहीं है यहाँ पे। हमारा मकसद एसोसिएशन का ये है कि सबका काम चले, सहूलत से चले, गरीब का भी फायदा हो, अमीर का भी फायदा हो, और मजदूर का भी फायदा हो। और ऑटो यूनियन के हैं हमारे हाजी साहब है, ये भी माशाल्लाह से जितना बहुत खुश है कि जो पैसेंजर ऑटो जो रहता, जो गुड्स कैरियर रहता, वो लोग भी बहुत परेशान थे। और मैं बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक 28 से 30 जान ज़ाया हो गए रोड एक्सीडेंट में। मैं बहुत नादिम करता हूँ, नादिम हूँ व्यापारी लोग फ्रूट के। जी, व्यापारी नहीं, ड्राइवर लोग, ड्राइवर है, मजदूर है, जिसमें से एक मैं भी जी, और जी जी
ये जो 12 एकड़ आपको लैंड मिली तो ये किराए के तौर पे मिली या लीज पे तौर पे नहीं, कैसा नहीं, मिली किराए के तौर पे मिली। मैं ना हमारे 35,000 रुपए एकड़ हमारे पे करने का। किसको पे करना पड़ेगा आपको? बोर्ड को। और साथ ही साथ हम लोग इंशाल्लाह फ्रूट मार्केट को जो मार्केट फीस देना है हम मार्केट फीस भी देंगे। हम चाहेंगे कि मार्केटिंग कमेटी हमारे सपोर्ट करें इस चीज़ में, क्योंकि हमारी परेशानी को जाने समझे कि हम किस तकलीफ से जैसा गुजर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो हमारे साथ भी जैसा उनके साथ हुकूमत के साथ मिलकर हम काम करना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये मार्केट टू का जो आगाज़ होगा उसमें हुकूमत का जैसा भरपूर हमारे को तावन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे जाती अखराजात से हम ये तामीर करना चाह रहे हैं और हुकूमत से हमारे को बस सपोर्ट चाहिए कि हम फीस भी पे करना चाह रहे हैं मार्केट फीस और किराया भी देना चाह रहे हैं। इस्तेमाल करता हूँ और सभी से गुजारिश है जो आप लोग जगह दे दीजिए मध्य महफिल के प्लीज डिस्टर्ब मत करें। सभी से ऊपर आने का मौका दीजिए प्लीज। और मोहम्मद सही उद्दीन साहब, मोहम्मद दुनिया उद्दीन साहब, मोहम्मद समीर उद्दीन, मनोहर साहब बोला थोड़ा आप लोग नीचे चलो भाई। अरे मोबाइल बता 150 2000 में जवाब नहीं है साहब, बाप दादा सिर्फ मकान वही है साहब, हमारे अजदाद सिर्फ मकान है ना, वो खाली वही है साहब, एक नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करे ना, नहीं है साहब, थोड़ी जगह दे दिया तो हो जाता था। सवाल उसका नहीं, आप वादा करे थे जनों को एक एक घर है, मैं सर्वे करवा दूँ, अगर किसी को नहीं रहा आप वादा करे थे साहब, है मकान है।